फ्रेंड्स, हमारे जो लास्ट क्लास की लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ऑफ अल्कोहल हमारे टॉपिक था, वो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के एक्टिव कोलैबोरेटरी किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि एल्किन का हाइड्रोबोरिनेशन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एल्किन का हाइड्रोबोरिनेशन करने के लिए हमने एक टेक्निक्स लगाई है। वो टेक्निक क्या है एल्किन का हाइड्रोबोरिनेशन करने के लिए? तो एल्किन का हाइड्रोबोरिनेशन करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, एल्किन का हाइड्रोबोरिनेशन करने के लिए सबसे पहले जो बोरिंग्स होता है वो प्रोपीन होती है। प्रोपीन की रिएक्शन हमको डाइबोरिंग से करवानी पड़ती है। तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है और ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है इसकी वापस से वह एल्किन से रिएक्शन करवानी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि 3 मोल हमको वह प्रोपीन्स लेना पड़ता है। जो 3 मोल प्रोपीन्स है, ये 3 मोल प्रोपीन्स जो होता है वो डाइबोरिन के साथ रिएक्शन करता है। केमिकल रिएक्शन करने के बाद ये ट्राई एल्किल बोरिन बनाता है और ये जो ट्राई एल्किल बोरिन होता है ना, ये बेसिक मीडियम में पराक्साइड की उपस्थिति में इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है। हाइड्रोलिसिस करवाने पर यह क्या देता है, यह है प्रोपीनोल्स बनाता है। ये भी एक अच्छा तरीका है हमारे पास क्या बनाने का, प्रोपीन बनाने का। Thank you.
मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्कीन ऑक्सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्कीन के एल्कीन का ऑक्सी मल्टीप्लिकेशन कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सी मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए करना पड़ता है आपको, सबसे पहले लेना पड़ता है CH3CH2 और ये CH को डबल बॉन्ड ये CH2 मैंने कह दिया ब्यूटेन, उसको मैंने कह दिया ब्यूटेन लिया, कह दिया मैंने ब्यूटेन लिया। अब ब्यूटेन की रिएक्शन करना पड़ेगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एल्कीन का ऑक्सी मर्क्यूरेशन करवाएंगे तो एल्कीन का ऑक्सी मर्क्यूरेशन करवाने के लिए सबसे पहले हमारे को एल्कीन चाहिए होती है। वो एल्कीन जो होती है उस एल्कीन को हम मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ में THF के प्रेजेंस में जब इसे हीट देते हैं तो हमारे पास एक क्या बनता है, एक योग उत्पाद बनता है, एक एडिशन कंपाउंड बनता है। ये जो एडिशन कंपाउंड होता है इसका हम ऑप्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो ये धुआं सप्लाई करता है और हमारे पास एल्कोहल प्राप्त होता है और H2O हमारे पास प्राप्त होता है। ये ऑक्सी मर्क्यूरेशन ऑफ एल्कोहल का
कि बाय द हेल्प ऑफ द ग्रिग्नार्ड एजेंट, ग्रिग्नार्ड एजेंट की सहायता से भी हम एल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एल्कोहल को बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द कार्बन कंपाउंड्स, जो कार्बन कंपाउंड होता है उस कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन आर एम चिक्स से करवाते हैं, आर एम चिक्स ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। कार्बन कंपाउंड लिया, उस कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करवाते हैं, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ करवाते हैं तो हमारे पास एक एडिशन कंपाउंड बनेगा। वो जो एडिशन कंपाउंड बनता है, उस एडिशन कंपाउंड को अपन क्या करेंगे, उसका अपने एसिडिक मीडियम में उसका करवा देते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, एसिडिक मीडियम में उसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, एल्कोहल बनता। तो एक बेस्ट तरीका हमारे पास एल्कोहल बनाने का। अब देखिए एल्कोहल तीन तरीके से बनाएंगे, कि एल्कोहल तीन तरीके से कैसे कैसे बना सकते हैं, क्या क्या मेथड्स मेरे पास होते हैं एल्कोहल बनाने के, वो एल्कोहल की बात करता हूँ मैं। एल्कोहल की एल्कोहल हम जो कैसे बनाते हैं, तो एल्कोहल हमारे पास तीन तरह के एल्कोहल हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, पहला एलोमेटिक एल्कोहल, दूसरा है टू डिग्री एल्कोहल, तीसरा है थ्री डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो वन डिग्री एल्कोहल कैसे बनाते हैं, टू डिग्री एल्कोहल कैसे बनाते हैं, थ्री डिग्री एल्कोहल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो वन डिग्री एल्कोहल की अगर बात करता हूँ, तो हाइपो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वन डिग्री एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आपके पास आएगा ये एथिलीन पेरोक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो वन डिग्री एल्कोहल मिलेगा। बात आपके पास आएंगे फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन आप करवाओगे तो वन डिग्री एल्कोहल। मतलब एल्कोहल बनाने के लिए वन डिग्री एल्कोहल बनाना है, टू डिग्री एल्कोहल बनाना है, थ्री डिग्री एल्कोहल बनाना। अगर आपको मान लीजिएगा वन डिग्री एल्कोहल बनाना है, वन डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो उसके लिए आपको ग्रिग्नार्ड विकर्मक की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवानी पड़ेगी। अगर आप ग्रिग्नार्ड विकर्मक की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करवाओगे तो वन डिग्री एल्कोहल बनेगा। इसी तरह अगर आप ग्रिग्नार्ड विकर्मक की रिएक्शन अगर आप एथिलीन ऑक्साइड के साथ करवाओगे तो वन डिग्री एल्कोहल बनेगा। और अगर आपको वन डिग्री एल्कोहल बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड विकर्मक के साथ करवाते हो तो भी आपको क्या बनेगा, आपको वन डिग्री एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल अगर आपको बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एसिटाल्डिहाइड लेना पड़ेगा। एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड विकर्मक के साथ करवाते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, टू डिग्री एल्कोहल। लेकिन इसी तरह अगर आप क्या वो फॉर्मिक एसिड लेते हो, अगर आप फॉर्मिक एसिड लेते हो COO और C+5, फॉर्मिक एसिड लेते हो, उसकी रिएक्शन अगर आप ग्रिग्नार्ड विकर्मक के साथ करवाते हो तो आपका टू डिग्री एल्कोहल भी बन जाएगा। टू डिग्री एल्कोहल इसमें भी जी बनेगा आपका, आप किसी भी टू डिग्री एल्कोहल इसमें बना सकते हो। अगर आपको थ्री डिग्री एल्कोहल बनाना है, थ्री डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एसीटोन लेना पड़ेगा, या तो एसीटोन लेना पड़ेगा या फिर फॉर्मिक एसिड की जगह आपको एसिटिक एसिड अगर आपको लेना पड़ेगा। अगर आप एसिटिक एसिड लेते हो तो आपको थ्री डिग्री एल्कोहल। तो ये एल्कोहल बनाने की कुछ टेक्निक्स है। तो एल्कोहल बनाने की कुछ टेक्निक्स में पहली जो टेक्निक्स है वो तो ये कहती है कि अगर आपको वन डिग्री एल्कोहल बनाना है तो आप ग्रिग्नार्ड विकर्मक रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाइए, या फिर ग्रिग्नार्ड विकर्मक रिएक्शन आप किससे करवाओ, एथिलीन ऑक्साइड से करवाओ या फिर फॉर्मेल्डिहाइड से करवाओ, तो आपका वन डिग्री एल्कोहल बनेगा। अगर आपको टू डिग्री एल्कोहल बनाना है तो टू डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए आप क्या करोगे, टू डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए आप इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, एसिटाल्डिहाइड से करवाओगे या फिर फॉर्मिक एसिड से करवाओगे, उधर आप एसीटोन से करवाओगे या फिर एथिल एसिड से करवाओगे, तो आपका क्या बन जाएगा, थ्री डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक एक टाइप का एल्कोहल बना के बताऊंगा। सबसे पहले वन डिग्री एल्कोहल कैसे बनाते हैं, प्राइमरी एल्कोहल कैसे बनाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बनाते हैं, टर्शियरी एल्कोहल कैसे बनाते हैं। ये सीखने के लिए मैं आपको सारे टाइप्स के एल्कोहल बना देता हूँ, आप सीख जाओगे। सपोज कीजिएगा ये मेरे पास क्या आर एम जी एक्स, सपोज कीजिएगा ये मेरे पास क्या आर एम जी एक्स है, ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन आप किससे करवाओगे, आप ओ2 ऑक्सीजन से करवाएंगे। ऑक्सीजन से करवाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन इसमें इंसर्ट हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, आर ओ एम जी एक्स क्या हो जाएगा, आर ओ एम जी एक्स हो जाएगा। अब ये तो आर एम जी एक्स बनाए ना, आप इसका क्या करवा दो, एच एच करवा दो, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में आप एच एच करवाओगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, आर ओ एच क्या बनेगा, आर ओ एच बनेगा। और ये एम जी है, इस एम जी के साथ में ये एक्स है, ये वाला जो हुआ है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपके पास ये क्या बनेगा, वन डिग्री एल्कोहल क्या बनेगा, ये वन डिग्री एल्कोहल। तो ये तरीका हो गया आपके पास वन डिग्री एल्कोहल बनाने, आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 OH बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा,
ये आपके पास कैमरा वन डिग्री एम्पर इस तरीके से आप इसके वन डिग्री एम्पर से बना सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिएगा ये तो आपके पास एक तरीका, दूसरा तरीका मेरे पास ये है, ये मेरे पास है ओ और ये है सी एच टू और ये है सी एच टू, एथिलीन ऑक्साइड कहते हैं, इसे कहते हैं एथिलीन ऑक्साइड, इसे एथिलीन ऑक्साइड कहा जाता है। ये जो एथिलीन ऑक्साइड है इसे एथिलीन ऑक्साइड की एक्शन से करवाई जाती है, सपोज कीजिए सी एच थ्री एम थ्री और ये पी आर, सी एच थ्री एम थ्री पी आर से इसकी एक्शन करवाई जाती है। आपको पता है इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियली कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, एक पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे पर कौन सा चार्ज होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए यहाँ ऑप्शन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से इधर मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा तो अभी आपके पास क्या हो जाएगा सी एस थ्री, आपके पास हो जाएगा सी एस टू, वापस ये हो जाएगा सी एस टू, ओ ब्रांच बना भी आ जाएगा, एन पी ब्रांच बना भी आ जाएगा और ये आपके पास क्या जाएगा पी आर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करवाइए, आप इसे एड्रेस करवाइए, एड्रेस का मतलब होता है इसका एसएल मीडियम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो एसएल मीडियम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे सी एस थ्री सी एस टू और ये सी एस टू और ये हो गया, ये आपके पास रिकॉर्ड बनेगा और साथ में आपका बनेगा एन सी और ये पी आर और ये इस तरीके का फॉर्म आपके पास बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इतना जो मैंने आपको बताया उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस तरह से अपन वन डिग्री एल्कोहल टू डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया था किस तरह एल्कोहल का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा फॉर टॉपिक हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से मल्टीग्री एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की सहायता से हम मल्टीग्री एल्कोहल को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये टॉपिक है, इसे भी हम ऊपर देख लेते हैं। तो देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एच सी डबल फोर ओ और ये एच, ये फॉर्मेल्डिहाइड, इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन सपोज कीजिए आप सी एस थ्री एम थ्री आर मैग्नीशियम क्लोराइड से करवाते हैं, तो हमें पता है यहाँ पर इस पर आस पास की नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पास की पॉजिटिव चार्ज आता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो ये इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा एच सी ऊपर आप जी बना भी आ जाएगा, यहाँ पर एन जी बना जी बना भी आ जाएगा और ये बी आर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाए तो ये क्या हो जाएगा सी। अब ऊपर क्या करवाते हैं, अब ऊपर इसका एड्रेस करवाते हैं, एड्रेस करवाते हैं ऐसा ही करवाते हैं, ये मेरे पास क्या जाएगा सी एस थ्री और ये सी एस टू ये ऊपर जा जाएगा और साथ में हमारे पास क्या जाएगा एन जी बी आर और ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि सी एस थ्री एम सी और ये भी आ रहा है मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इस मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन आप किससे करवाएंगे एच सी एच ओ से करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा ये बनेगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड करवाएंगे ये बनेगा, उसके बाद ये रहेगा एच ओ एच और फिर एस सी ए करवाने पर क्या बनेगा बी, आइडेंटिफाई द ए एंड बी, ए और बी को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, ये तरीका है ए को आपको पता है ये क्या बना है यहाँ पर ये रहा तो ये आपके पास क्या बनेगा सी एस थ्री सी ऊपर आंच बना भी सर और ये एच और ये एच और ये एम सी पर आंच बना भी सर और ये बी आ रहा, अब आप क्या कर पाओगे, अब जाते जाते यहाँ पर ये आपके पास बी आएगा तो बी आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा सी एस थ्री सी एस टू बने वो एच सी बी बनेगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो कि इसमें वन डिग्री एल्कोहल टू डिग्री एल्कोहल थ्री डिग्री एल्कोहल जो होते हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। और आर एच के रिएक्शन करवाएंगे तो भी बटन के एम्पोर बनेगा, तीसरा बनता है तो आपके पास एप्लीकेशन
पास 1 डिग्री आपका बनेगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।